कुछ है, तो उनके जहन में सवाल आता है कि हम दीन पर चलना तो चाहते हैं, हम इबादतें अमल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में वो तरीका नज़र नहीं आता कि हर आदमी अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है कि हमारे पास में आओ, हमारे पास में सही दीन है, तो उसको एक तरीका नहीं मिलता। तो इस वजह से कई लोग दूर ही हो जाते हैं कि अपने ऋण छोड़ दो इसको, क्योंकि अभी समझ में नहीं आता ये इधर बुला रहे हैं, बोले हम हक पर हैं, हमारे पास में आओ, हमारे पास कुरान सुन्नत है, हमारे पास में ये है, हमारे उलमा ये कह रहे हैं। तो वो एक आदमी जो बीच का जो रास्ता जो आना चाहता है, लेकिन वो इस इख्तिलाफात की वजह से कि मैं जाऊँ किधर, किसके तरीके पर चलूँ, और वो उस दीन से दूर चला जाता है, निकल जाता है। तो असल हमको चलना किसके तरीके पर है और हम कामयाब हो सकते हैं, उसमें फला पा सकते हैं। और तरीके बहुत सारे बताए हैं लोगों ने, वो चलते चले आ रहे हैं और फ़िरकाबंदी होती जा रही है, हर मसलक अपनी तरफ बुलाता रहता है। और उसके अंदर किस तरीके पर चला जाए, तो वो कुरान और सुन्नत से अगर हम देखें, उसके लिए तहकीक करें कि वो क्या तरीका है, कि किसके तरीके पर चलें, तो सबसे बेहतरीन तरीका तो वो तरीका है कि ये जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और ये अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनके सहाबा को बताया, और वो कुछ भी कोई मसला आता था तो अल्लाह के रसूल सल्लम उनको गाइड किया करते थे। तो सबसे अगर बेहतरीन तरीका अगर इस्लाम में जो मुसलमानों का है चलने का, और जो इस पर चला है, जिसने चलकर बताया है, तो सबसे बेहतरीन तरीका वो सहाबा का तरीका है कि सबसे बेहतरीन तरीके पर वो चले, क्योंकि उनको सीधा अल्लाह के रसूल सल्लम ने गाइड किया है। और जो फिर सहाबा के तरीके पर चले यानी ताबईन, फिर जो उनके तरीके पर चले तबे ताबईन, और जो इनके तरीके को, इनकी चीज़ों को, इनके मनहज को लेकर चले हैं, तो उनके तरीके के पर अगर हम चलें तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं, और उसकी दलाइल कुरान और सुन्नत में हमारे पास में मौजूद हैं। तो एक आदमी अगर इसमें आता है, एक मुसलमान, तो उसके लिए चाहिए कि वो सबसे पहले कि भाई सबसे पहले कौन चला, तो उसके तरीके पर उसको चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सारे, क्योंकि जितने, ऐसा कोई फ़िरका या कोई जमात नहीं है जो ये नहीं कहती हो कि हम कुरान सुन्नत पे नहीं हैं, लेकिन बस उनका जो समझने का जो तरीका होता है, वो तरीके में इख्तलाफात होते हैं। वो सारे के सारे कुरान और हदीस की दलीलें भी देते हैं, और उसमें कुछ सही भी होती हैं, कुछ अपनी समझ भी होती हैं, सब अपने अपने तरीके पर उसको देते हैं। और या फिर इसके अंदर, या एक अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि वो जो जन्नत में जाने वाला फ़िरका है वो फ़िरके नाजिया है, तो हर आदमी उसके लिए कहता है कि वही फ़िरका हम ही हैं, जो फ़िरके नाजिया हैं हम हैं। या उसके अंदर कोई उसके तरीके बताता है, कोई उस पर अकड़ कर भी देता है कि हम ही, हमारे अलावा कोई भी नहीं है, और यही हमारा तरीका है। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है, ऐसी जब बात हो जाती है, तो एक इंसान परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। और वही आज हम देख रहे हैं कि एक आम मुसलमान जब आना चाहता है तो ऐसे इख्तिलाफ में उलझ कर वो रह जाता है, क्योंकि सब अपने अपने दावे करते हैं। और हालात तो यहाँ तक हो चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम की पेशीन गोई भी हैं, जो सही तिर्मिजी के अंदर आती है हदीस नंबर 2197, कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोग सुबह घर से निकलेंगे और शाम को काफिर होकर लौटेंगे, या सुबह लोग निकलेंगे तो शाम को ईमान वाले भी हो जाएंगे, ये भी आएगा। तो ऐसा ज़माना भी आएगा, और वही आज ज़माना है, क्योंकि आज इतने सारे लोग, इतने तरीके, इतने जमातें, इतने फ़िरके हैं कि एक आदमी जाता है कोई चीज़, उस पर व्हाट्सअप पर आई, फेसबुक पर कोई एक क्लिप आई 5-7 मिनट 10 मिनट की, कुछ उसने यूट्यूब पर देख लिया, और वो अपना पूरा मनहज, अपना तरीक़ेकार, अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेता है कि ये सही है, बाकी सब गलत, अभी तक मैं गलत था। मतलब ये स्थिति आज हो चुकी है कि हर रोज़ जाता है आदमी और उसका रोज़ उसकी समझ बदल जाती है। तो आज ये हो रहा है कि एक लेक्चर कोई सुन लेता किसी का, तो उसकी पूरी तब्दीली उसके अंदर आ जाती है। और इसमें सब तरह के लोग हैं, कभी बातिल की तरफ भी चला जाता है, कभी हक की तरफ भी आ जाता है, लेकिन अक्सर हम देखें तो अक्सर लोग बातिल की तरफ इसमें चले जाते हैं।